going. Oh no. बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले परफेक्ट एम लॉक के बारे में कि आप लोग किसी भी एनिमी के ऊपर कैसे आप लोग अपना एम लॉक कर सकते हो, किसी भी गन से आप लोग अपना एम लॉक करके बहुत इजीली वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं जो टिप्स एंड ट्रिक्स आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। एंड इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। वीडियो के एंड में मैं गाइस आप लोगों को एक ऐसा टिप्स बताने वाला हूं, उस टिप्स को अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो गाइस आप लोग वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाओगे। तो इसीलिए गाइस मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देख लेना। चलो गाइस यार जल्दी से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप सभी लोगों को फुल डिटेल के साथ सारा कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोग इस क्लिप के अंदर देख सकते हो सामने एनिमी, और गाइस यहां पे मैं जंप करता हूं और जो यहां पे मेरा फायर बटन है इसको देख सकते हो मैं कैसे ड्रैग करता हूं। जैसा ही गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा कितना इजीली यहां पे वन टैप हेडशॉट लग चुका है। गाइस आप में से काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं, क्या करते हैं वो जो उनका फायर बटन है उसको लेफ्ट या राइट यहां पे घुमा देते हैं जिसके चलते आप लोग का वन टैप हेडशॉट नहीं लगता है। इस क्लिप के अंदर आप लोग क्लियरली देख सकते हो यहां पे मैं ड्रैग कैसे करता हूं। देख सकते हो आप लोग इस फायर बटन को मैं हल्का सा ऊपर के साइड ड्रैग करता और यहाँ पे मेरा बहुत इजीली वन टैप हेडशॉट लग जाता है। इस गलती को गाइस आप में से काफी सारे बंदे करते हैं, तो अभी आप लोग इस गलती को करना छोड़ दो नहीं तो आप लोग वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाओगे। उसी के साथ गाइस यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि आप में से काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं सिंपली कोई भी गन ले लेते हैं एंड उससे वन टैप हेडशॉट मारने का ट्राई करते हैं, कुछ इस टाइप से यहाँ पे मारते हैं। गाइस आप लोग क्या करते हो, गन लेते हो और यहाँ पे फायर करना स्टार्ट करते हो, भाई ऐसे वन टैप हेडशॉट नहीं लगता है। आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं, जब भी गाइस आप लोग वन टैप हेडशॉट मारने का ट्राई करो तो आप लोग को बहुत ज्यादा स्पीड में यहाँ पे रन करना है एंड उसके बाद से आप लोग को अपने फायर बटन को हल्का सा ऊपर के साथ ड्रैग करना है। इस टाइप से गाइस आप सभी को करना है जैसा कि आप लोग क्लिप के अंदर देख सकते हो, कुछ इस टाइप से आपको ट्राई करना है। आप लोग बहुत इजीली आप लोग किसी भी एनिमी के ऊपर अपना जो भी एम है उसको लॉक कर पाओगे। और ये गाइस ये जो अपना लास्ट पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, तो इसको मिस मत करना। मैं आप लोग को बता दूं कि आप में से काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो लोग यहां पे सेंसिटिविटी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। देखो गाइस मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का सेंसिटिविटी यहां पे किसी भी एनिमी के ऊपर एम लॉक करने के लिए। बस गाइस आप लोगों को दो ही जगह सेंसिटिविटी के ऊपर ध्यान देना है, बस जनरल और रेड डॉट, इन दोनों पे आपको ध्यान देना है। जो आपको लोगों का जनरल सेंसिटिविटी इसको 70 रखना है और गाइस यहाँ पे जो रेड डॉट सेंसिटिविटी है इसको गाइस यहाँ पे 50 रखना है, जिससे कि गाइस आप लोग बहुत इजीली यहाँ पे मोमेंट्स वगैरह कर पाओगे एंड बहुत इजीली आप लोग किसी भी एनिमी के ऊपर यहाँ पे अपना एम वगैरह लॉक कर पाओगे। फटाफट गाइस आप लोग जाके फटाफट इन सेंसिटिविटी को आप लोग अपना चेकआउट कर लो कि आप लोग का सेंसिटिविटी वगैरह क्या है। एंड उसी के साथ गाइस एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप में से काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो उनका सेंसिटिविटी होता है उसको चेंज करते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट 44 का सेंसिटिविटी देखेंगे तो व्हाइट 44 जैसा सेंसिटिविटी रखेंगे, राय स्टार का सेंसिटिविटी देखेंगे तो राय स्टार जैसा रखेंगे, अज्जू भाई का देखेंगे तो उनके जैसे यहाँ पे सेंसिटिविटी वगैरह रखेंगे। तो देखो गाइस ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। जो भी गाइस आप लोगों का सेंसिटिविटी है उसको एक ही बार सेट कर लो एंड उसके बाद से आप लोग चेंज वगैरह नहीं करना है। अगर गाइस आप लोग रोजाना चेंज करते हो तो उससे आप लोग यहाँ पे किसी भी एनिमी के ऊपर यहाँ पे एम लॉक वगैरह नहीं कर पाओगे। फिर गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलोगे भाई कोई भी ट्रिक्स वगैरह काम नहीं कर रहा, तो इस चीज को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। एंड आई होप कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबा के ऑल को जरूर से सेट कर लेना। तो चलो गाइस यार जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।